नमस्कार, मैं इस वक्त दरभंगा जिला के गौराबोरम प्रखंड में हूं और गौराबोरम प्रखंड के कसरत कोरपली पंचायत के वार्ड सदस्य हमारे साथ है। खास करके बात चीत करेंगे कि गौराबोरम प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष भी है मणिकांत जी हमारे साथ मौजूद है। मणिकांत जी, कल अपने वार्ड के अंदर और अपने पंचायत ग्राम पंचायत कसरत कोरपली पंचायत में उप मुखिया जो है उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मुख्य उद्देश्य होता है ये आप सभी लोग जानते हैं, यानी उप मुखिया के द्वारा सभी वार्ड सदस्यों के मान सम्मान में कमी या किसी भी बैठक में उनको नहीं बुलाना, उनको किसी तरह का मान सम्मान नहीं देना। और यही कारण है कि हर दो ढाई साल के बाद एक बार अविश्वास प्रस्ताव लगता है और ये प्रक्रिया पूरे बिहार में चल रही है। आपने पिछले कई बार आपने ये तस्वीर देखा होगा कई प्रखंडों में और अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव के तहत मुखिया का उप मुखिया का जो कुर्सी है उसको कहीं ना कहीं बदलने का काम किया है। तो एक बार फिर मणिकांत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मणिकांत जी, इन्होंने एक आवेदन दिया है, हालांकि ये किनको किनको आवेदन है सबसे पहले हम इस पर विस्तार से चलेंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए माननीय मुखिया महोदय ग्राम पंचायत राज कसर करकोली को इन्होंने एक आवेदन दिए हैं उप मुखिया नूर आलम पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने के संबंध में। मुखिया जी इनके द्वारा आवेदन शायद नहीं लिया, यही वजह थी। तो इन्होंने उस मुखिया जी को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजा है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रखंड के विकास पदाधिकारी हैं, उनको इन्होंने लिखित आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव लगाने की मांग की है पंचायत। तो हम जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ के बता देते हैं, जो आवेदन मेरे हाथ में है वो आवेदन पढ़ के बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोग स्पष्ट रूप से ये समझ सके कि आवेदन में क्या कुछ लिखा है। मणिकांत जी बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं आवेदन में लिखा है उप मुखिया नूर आलम पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने के संबंध में ये आवेदन आया है, जिसमें कहा गया है महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि हम लोग कसरत कोरपली पंचायत के वार्ड संख्या एक के मणिकांत झा जो हमारे सभी लोग अपने वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, लेकिन उप मुखिया नूर आलम पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने का क्या कुछ उद्देश्य है, क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, थोड़ा बताइए। वो जो है कहने का मतलब हम लोग उनको मुखिया बनाए लेकिन हम लोगों को कोई हेल्प नहीं करते हैं। वो कभी भी वार्ड सभा नहीं बैठाए हैं, वार्ड सबको नहीं बैठाते हैं और न कोई विचार लेते हैं। सिर्फ जाकर के मुखिया जी से अपना संपर्क कर लेते हैं, बस वो इतना ही वो काम करते हैं। वार्ड सदस्य को कोई भी काम अभी तक कभी बैठक अपना यहाँ नहीं बुलाए हैं, न किसी पंचायत भवन पर में बुलाए हैं, आज न किसी के कहीं खोज करने के लिए वो जाते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। नूर आलम जी, नूर आलम, अच्छा नूर आलम जब से उप मुखिया बने, बनाने का जो काम है वो वार्ड सदस्यों के द्वारा किया गया है, चुना गया है, आप ही लोग के द्वारा बनाया गया है, फिर आप ही लोग की बात को क्यों नहीं मान रहे थे, क्यों बैठक में आपको नहीं बोला जा रहा था, क्यों आपकी मान सम्मान में कमी आई, क्या वजह हो सकता है? वो जो है सो अपना मुखिया जी में सटा हुआ है। अच्छा, समझे कि नहीं? मुखिया जी जो कहते हैं वही वो करते हैं। वार्ड सभा हम लोग से अपना वोट ले लिए, हम लोग उनको बना दिए, कहने का मतलब मुखिया बहुत उदार से बनाए जो हम लोगों को हेल्प करेंगे वो, लेकिन नहीं, वो कहने का मतलब जितना भी वार्ड हमारा जो वार्ड है सबको निगलेक्ट कर रहा है। अच्छा, समझे? लेकिन एक बात है मणिकांत जी की मुखिया और उप मुखिया दोनों का पद अलग अलग है। अब उप मुखिया की जिम्मेदारी तब पंचायत में हो जाती है जब उप मुखिया किसी कारण से पंचायत में ना हो, किसी कारण से कहीं विदेश या प्रदेश चले जाएं, या फिर उप मुखिया जी का मतलब किसी परिस्थिति में दिवंगत हो जाने के बाद उप मुखिया का पद होता है। लेकिन उप मुखिया से मुखिया जी को क्या तालमेल हो सकता है, क्या हो सकता है? मुखिया जी का अलग काम है, उप मुखिया का तो नहीं। उसमें ये है कि जो मान लीजिए कोई वार्ड सदस्य को बुलाया नहीं जाता है, आप कोई चीज का आम सभा हो कि ग्राम सभा हो, समझे कि नहीं, वार्ड सब जो नहीं भी जाता है उसका डुप्लीकेट साइन कर देता है। वो कौन कर देता है? माने मुखिया जी और सचिव कर देता है, समझे कि ना। उसके बाद हमारा जो उप मुखिया जी है नूर आलम जी उस पर साइन कर देते हैं। तो हम लोग तो समर्थन उन्हीं को दिए हैं, उस सब का जिम्मेवारी ले लेते हैं। अच्छा, आप लोग को बिना बताए उप मुखिया साइन कर देते हैं? साइन कर देते हैं। अच्छा, और उसमें भी ये भी नहीं वो बोलते हैं हम सभा की ग्राम सभा में जो क्यों नहीं हमारा वार्ड क्यों नहीं आया, क्या तकलीफ है उसको उनको मुखिया के नजदीक रखना चाहिए ना। सो नहीं, अपना स्वार्थ में नील है, मुखिया जी जो कहे बस साइन कर देते हैं। इससे पहले हम झाड़ू बहाड़ू वाले को लगाए थे प्रतिबंध, समझे, अभी बात उठाए थे, उसमें भी वो क्या किया तो अपना मन से सब जगह हो रहा है वार्ड के वार्ड सभा करके वार्ड बहाली करता है, लेकिन हम एक नंबर वार्ड और वार्ड में बिना वार्ड को कहे हुए अपना वो जो है सो बहाली कर दिए हैं, डुप्लीकेट साइन कर दिए हैं, उसके बाद वो मुखिया जी उसको सही कर देते हैं।
अच्छा मणिकांत जी ये बताइए, आप लोग की लड़ाई सरकार से थी कि वार्ड सदस्यों को हक और अधिकार चाहिए, आप अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ रहे थे, लेकिन अब मुखिया उप मुखिया से आपकी जो किसी कारण नहीं बनता है, सभी वार्ड सदस्यों का एक आपके लिए सभी वार्ड सदस्यों की बात है, उप मुखिया बदलने के बाद क्या लग रहा है कि पंचायत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या उप मुखिया की कुर्सी बदल जाने के बाद फिर विकास हो पाएगा? हाँ विकास होगा जी, हाँ उप मुखिया बदलने के बाद विकास होगा। हम लोगों को जो है सो कहने का मतलब वार्ड मेंबर जो है सो एक जगह रहेंगे, एक जगह इससे पहले भी पंचवर्षीय में किए थे, जिसको उप मुखिया बनाए थे वो अपना यहाँ बैठक करता था महीना में एक बार जरूर बैठक, सब वार्ड को क्या तकलीफ है, क्या आपको क्या सब होना चाहिए, इस सब के विषय में वो माने बैठा करके वो सब बात कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, जब से इस बार आप ग्राम पंचायत का चुनाव जीत के वार्ड पर जितने वार्ड सदस्य आए हैं क्या काम किए, कुछ काम किए, कुछ विकास का काम हुआ, कुछ पैसे आए आपके पास, कुछ योजना आया आपके पास? कुछ योजना नहीं आया है, कहता है वार्ड सदस्य को कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कौन कहता है? ये मुखिया जी बोलते हैं कि वार्ड सदस्य कोई अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, कोई सरकार कोई काम नहीं दिया है। वार्ड पार्षद वार्ड सदस्यों को भी तो जनता के द्वारा चुनी जा रही है जी, तो फिर उनका अधिकार क्यों नहीं है? आपका कोई भी सरकारी योजना चाहे पंद्रहवीं हो चाहे खस्टम हो या जो भी वहाँ से पैसा भेजा जाता है उस पर लोग बोलते हैं जो कहने का मतलब आप लोगों को कुछ आया ही नहीं है, समझे कि नहीं, और उस सब को चक्का बना करके दो एगो को बैठा लेते हैं, उसके बाद वो सब आप पारित कर देते हैं, मुखिया जी उस पर साइन कर देते हैं। अच्छा अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं, चुनाव का तारीख तय हुआ है? चुनाव का तारीख अभी नहीं तय किए हुआ, अभी नहीं तय किया गया है, नहीं अभी तो एप्लीकेशन दिया गया है, अब तो ये वीडियो साहब अब बीपीआरओ साहब इसका तय करेंगे ना, लोकन करेंगे बिल्कुल। देखिए हमारे साथ वार्ड सदस्य संघ के गोड़ाबुराम प्रखंड के मणिकांत जी अध्यक्ष भी हैं और कसर कोतवाली पंचायत से वार्ड संख्या एक के वार्ड सदस्य भी हैं। इन्होंने अपने पंचायत में उप मुखिया नूर आलम के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया है क्योंकि उप मुखिया नूर आलम के द्वारा इन लोगों का एक गंभीर आरोप है कि उप मुखिया हमारे मान सम्मान में कमी करते हैं, हमारे अधिकार को वो हड़प कर लेते हैं। यानी ये कह लीजिए कि उप मुखिया के द्वारा कोई भी बैठक बुलाई जाती है या किसी भी तरह का मीटिंग होता है उसमें हम लोग को बुलाया नहीं जाता है, हमारे साथ जो है मतलब एक अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि हम लोगों ने मिल करके सभी वार्ड सदस्यों ने उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने का काम किया है। निकम जी क्या कहना चाहेंगे, मुखिया जी से क्या कुछ अपील रहेगा? मुखिया जी से तो यही अपील है और हमेशा अपील करते हैं, जो देखिए हम लोगों का गार्जियन है, समझे कि नहीं, जो आपका जो कहने का मतलब सरकार भेजता है कोई भी फंड आपका जिस पर में अधिकार है आप लीजिए, और हमारे वार्ड सदस्य जितना भी हैं उनका जो अधिकार है उनको दे दीजिए। आभार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत